एयर पोल्यूशन से इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि आंखों में जलन होती है और सांस की प्रॉब्लम है, लंग्स को प्रॉब्लम करता है, अस्थमा है, और जो जैसे डायबिटीज पेशेंट है वगैरह है या बुज़ुर्ग हैं, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए, निकालना चाहिए हल, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह है इसके लिए, सेहत के लिए, हेल्थ के लिए। तो इसको कुछ गवर्नमेंट को भी ठोस कदम उठाना चाहिए, साफ़ सफाई का जो काम है वो भी अच्छा करना चाहिए। ये गंदगी जो बहुत रहती है, इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो जलाते हैं कूड़ा कड़ा वगैरह पराली पुरुली, इससे बहुत नुकसान होता है। के लिए ये हर साल इसलिए लौट के आता है कि ये हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है, ये गवर्नमेंट की नाकामी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि नहीं, ये तो ऐसे चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम रही है, तो दिसंबर तक रहे, जनवरी तक रह सकता है। अगर बारिश ना हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसमें बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सर, इसके रोकथाम के लिए क्या सरकार सही कदम उठा रही है? सरकार भी कदम उठा रही है, मगर पब्लिक को भी उठाना चाहिए ना, पब्लिक को भी कुछ सोचना चाहिए कि इन गाड़ियों की वजह से भी थोड़ी सी गाड़ियों की, चलो डीजल है, डीजल है या पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, इसको आड इवन कर देना चाहिए थोड़ा, और क्या इसमें यही हो सकता है कि गाड़ी तो बंद नहीं हो सकती, लोग तो अपना काम नहीं छोड़ सकते ना। तो गवर्नमेंट को तो ज़्यादा गवर्नमेंट के ही ऊपर डिपेंड है कि गवर्नमेंट इसको कुछ करे इसके वास्ते, तो यही है, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ब्रीदिंग की, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही गंदी सिचुएशन है। हमारे बच्चे बेंगलोर से आ रहे हैं और वो इस बात से बहुत वरीड हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन हर साल की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर, ये हमेशा बार बार 1 महीने 2 महीने के लिए लौट के आ जाते हैं पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर खासकर। देखिए, ऐसा है, अनलेस एंटिल गवर्नमेंट एक कमिटेड वे में और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नहीं काम करे तो पोल्यूशन क्या किसी भी चीज़ को टैकल किया जा सकता है। ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो दिखाने में ज़्यादा बिलीव करती है रादर देन वर्किंग ऑन द ग्राउंड।